गुरु की कृपा से जब हम ज्ञान का ध्यान करते हैं तो तैरते हुए ऊपर हमको अपना विकार दिखाई देता है, समझ में आता है। उससे भागने के लिए हम पहले ध्यान लगाते थे और हमको ध्यान हुआ नहीं जाता था, क्योंकि क्या होता था जब हम बिना ज्ञान के ऐसे ही ध्यान करते थे किसी बाहर चीज के आधार को लेकर, जैसे हम मूर्ति देखते हैं या बाहर का चीज देखते हैं, उससे थोड़ा टाइम के लिए आराम जरूर मिलेगा। हम लोग जाते हैं, देखो अच्छी जगह जाते हैं जहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी मंदिर में जाते हैं या हम सब ने अपने घरों में छोटा सा मंदिर भी बना के रखा है, तो नहा धोकर हम फिर मंदिर के आगे बैठ कर भगवान की थोड़ी पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा टाइम हमारे मन को शांति मिलती है, आराम आता है। लेकिन वो आराम भी टेम्पररी है, और टेम्पररी आराम का हम क्या करें बोलो संतो? क्या वो टेम्पररी आराम से मेरा जन्म मरण छूट जाएगा? अच्छा, जन्म मरण ना भी छूटे तो क्या मेरा मन को परमानेंट आराम मिलेगा? नहीं संतो, प्रारब्ध तो पदार्थ से जुड़ी हुई है। हमको दुख सुख अपने अज्ञान के कारण मिलता है। अगर खाली बाहर से समाधि और ध्यान से मेरा अंदर का सारा विकार खत्म हो जाता तो आज सृष्टि में ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। कृष्ण भी गीता में नहीं बोलते कि ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान के ध्यान से हमारा अंदर का विकार हमको दिखाई देता है, तैरते हुए आता है हमारे अंदर। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे विकार से मन को क्या होता है, शर्म आती है, शीश हमारा झुक जाता है। उसको सुधारने के लिए हम गुरु से लेना देना करते हैं। लेना देना मतलब सवाल और जवाब, कि गुरु से सवाल जवाब करना जरूरी है। अपना होमवर्क जो बंदा करता है वो आके गुरु से अपना हक जरूर लेता है। क्या बोला, गुरु के वचन किस चीज का काम करते हैं? दवाई का काम करते हैं। हमारे अंदर में अनगिनत कांटे हैं, विकार रूपी कांटे अनगिनत, अंदर में अनगिनत कांटे हैं। वो कांटे कैसे जाते हैं? वाणी रूपी कांटे हमारे अंदर के विकार रूपी कांटों को निकालती हैं। अलग अलग प्रकार की वाणी बहती है। देखो, मुख से वाणी मतलब गंगा ऐसी बहती है कि खाली शरीर को नहीं साफ करती, मन को साफ करती है। आप ये बात समझना, फिर से बाहर का ध्यान, शरीर का समाधि, शरीर से किया हुआ कोई भी तप आत्मा को मंजूर नहीं है। आत्मा तक पहुंचने का रास्ता शरीर से जाता हुआ लगता जरूर है, लेकिन शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये सुजागी ज्ञान से ही मेरे को मिलती है। अगेन, वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मर्सी ऑन आवर सेल्फ संतो। हमको इतनी अंदर से तीव्र तीव्र इच्छा होवे, तीव्र इंटरेस्ट होवे सत को पाने के लिए। हम पूछते जरूर है कि हमको सत चाहिए, हमको सत तक पहुंचना है। आई ओनली वॉन्ट गॉड रियलाइजेशन, मेरे को खाली गॉड के रास्ते पे जाना है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सेल्फ का रियलाइजेशन, सेल्फ मतलब सच। उसके लिए मेरे को है तो सही, मैं जवाब तो चाहता हूँ इस सवाल का, लेकिन मेरे अंदर में सारी चालाकी चतुराई मन में मैंने पाल के रखी है, और ये बात मुझे मालूम भी नहीं है। एक बात समझना कि हम शरीर के हजार क्या लाख टुकड़े भी करें तो भी मन का होमे का रोग जो है ना, कि मैं हूं, वो रोग नहीं जाता है संतों। शरीर के लाख टुकड़े भी करो तो भी मन का रोग जो है, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार की। मेरे मन का अहंकार जाते भी नहीं जाता है। हम रोते हैं, धोते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं जाता, और मेरा मन इतना अहंकारी बोल देता है कि देखो मैंने इतनी कोशिश करी, देखो मैं इतना पुकार करता हूं, मेरा अहंकार जाता ही नहीं है। संतों, जब तक मेरे मन में एक भी संकल्प उठने की वृत्ति है तो आप हो, मैं हूं, मेरा अहंकार अभी भी जीवित है। अरे मैं अपने भगवान की पूजा ऐसे करूंगा, ये भी संकल्प क्या करता है, मुझको मेरे भगवान से अलग कर देता है। पर्दा आ जाता है मेरे मन के अंदर में। प्लीज, जो डीपली इंटरेस्टेड है ना सत्य के लिए, उसको बाकी कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। वो बोलता है मैं अपनी सारी शक्ति, सारी इंद्रियों की शक्ति कहाँ पे डालूं, अपने अंदर लेके जाऊं। हमने
बोला मेरे को सच जानना है, सच की मेरे को बहुत तीव्र इच्छा है, दीदी आई वॉन्ट टू कम टू दैट स्टेट ऑफ माइंड जहां मेरे को बाहर की कोई चीज लगे ना, कोई कुछ भी करे मेरे को कुछ लगे ना संतों, फिर मेरा मन फल पे जाता है। वी वॉन्ट द हाइएस्ट, वी वॉन्ट द बेस्ट, वी वॉन्ट टू ऑलवेज लीड अ वेरी कंफर्टेबल एंड सक्सेसफुल लाइफ, वी वॉन्ट दैट। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आत्मा का स्वभाव ही है शीतलता, आत्मा का स्वभाव ही है स्टिलनेस, आत्मा का स्वभाव ही है इंडिफरेंस, और है ही नहीं कुछ उसके अलावा। लेकिन उस चीज के लिए अंदर की कितनी जर्नी है, अंदर में निर्विकार होना जरूरी है, अंदर का खोखलापन को भरना जरूरी है, अंदर में मेरी मैं की अहंकार का खात्मा जरूरी है। अभी भी आप और मुझे होमवर्क करना है। कौन सा होमवर्क? क्या अभी भी मेरा मन किसी और पे आधारित है? I am still indulging in illusion, am I not? क्या मैं अभी भी झूठ से, झूठ में मन नहीं रखता? अभी भी क्या मेरे को झूठ में रस नहीं आता? Let us be very honest with ourselves. तो यहाँ पे कोई और है ही नहीं, खाली आप हो और आपका सत है, आप हो और आपका गुरु है, और तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। मुझे खाली मुझसे अपना ही सामना करना है, मुझे सत की झोली पे अपने आप को रख देना है। खाली सत की नैया मेरे को पार कर सकेगी, खाली ये सत की नैया मुझे ये समुद्र को पार करवा सकेगी, नहीं तो बंदा डूबते डूबते डूब ही जाता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता खाली गुरु कृपा है, इससे बाहर निकलने का रास्ता खाली सत की रोशनी है, और वो सत के लिए, वो सत के एहसास के लिए, वो सत के ज्ञान के लिए बहुत गहरा डूबना पड़ता है। सारी शक्ति, 10 उंगलियों का जोर अपने अंदर हमको लगाना पड़ता है। Really, anything that your mind thinks that matters is nothing but entertainment. हाँ, बाहर की चीजों में थोड़े टाइम के लिए रस जरूर आता है, yes, no doubt about it. इंद्रियों को बड़ा मजा आता है, 24 घंटा बंदा करे तो क्या करे, किसी को बोलो अरे समाधि लगा के बैठो, बंदा बैठ नहीं सकता। लेकिन निर्विकारी मन के अंदर 24 घंटा समाधि लगी पड़ी है, उसके अंदर में इतनी क्लैरिटी है, इतना समाधान है, he knows that there is no thought that requires any attention, because a thought itself, springing of a thought itself is jagat. झूठ का बेंचमार्क है कि इस मन में ख्याल अभी भी आता है, जिस धरती पे अभी भी वीड ग्रो होता है, मतलब उस धरती पे मेहनत हमने करी नहीं है, उस पे प्लाउइंग की नहीं है, उस पे डिसाइडेड सीड जो है वो हमने डाला नहीं है, धरती बंजर पड़ी है, उस पे जो उगे जंगली घास उगती है तो उगने देते हैं। क्यों? जब हम जंगली घास देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि अरे उस धरती पे अभी भी किसी बंदे ने मेहनत नहीं करी। ऐसे मेरा मन जो है विकारों से भरा होता है, जब मन में विकार होता है, जब मेरा मन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जब मेरे मन के अंदर में इरिटेशन आती है, जब मेरा मन बात बात पे लोगों को काटने आता है, काटना मतलब शब्द, हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो ऐसे मनों को घायल कर देते हैं कि पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन जो वो घाव क्रिएट होते हैं वो भर नहीं पाते हैं, जन्म तो जन्म तो जन्म कार्मिक अकाउंट बनते जाते हैं। गटर पालकी किसने रखा था? हमने गटर पालकी रखा था तो उसमें से बदबू आनी तो निश्चित बात है ना, उसमें से बदबू आना निश्चित बात है। जब हम अपने ही गटर के बदबू से परेशान होते हैं, परेशान होने के बाद हम औरों के ऊपर अपना क्रोध निकालते हैं, औरों के ऊपर अपने शब्द ऐसे बरसाते हैं कि वो बंदा पूरा जन्म उन शब्दों से उठ नहीं पाता है। सच डैमेज इज क्रिएटेड, आई एम सेइंग चलो छोड़ो, उसके साथ जो होता है सो होता है, पर क्या मेरा मन किसी को शब्द देकर आराम से सो पाता है?
सीरियसली इतना ऊंचा ज्ञान सुना पर हम किस चीज से उठ नहीं पाते हैं, अपने मन के गटर से ही उठ नहीं पाते हैं। तो अभी जो हमको रिसाइकलिंग प्लांट लगाना है, अभी जो हमको गटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगाना है, वो कहाँ लगाना है? अरे बाहर के लिए तो पूरी दुनिया बनी पड़ी है, बहुत सारी माया भरी पड़ी है, लेकिन मेरे को अपने अंदर मेरे को ही लगाना पड़ेगा, मेरे को ही लगाना पड़ेगा। उसके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? आपकी दो चीजों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक है आपका समय और दूसरा है आपका डीप इंटरेस्ट। खाली मांगने से कुछ नहीं होगा संतों, गुरु से इतनी सी मेहनत लेकर अपनी खूब सारी मेहनत कर डालो, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। क्या बोला? एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। हमें नमक जितना मेहनत गुरु से लेकर आटा जितना मेहनत में खुद कर डालो। अंदर में जाना संत, अंदर में जाना बहुत जरूरी है। समझना ये मैं का खेल खाली मन का एक भरम है, मैं तो कभी था ही नहीं, इट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट, बाकी जो है सो है। समझना पूरी दुनिया इंक्लूडिंग दिस बॉडी, जो दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई देता वो भी दुनिया पूरी आत्मा से ओतप्रोत है। डू यू अंडरस्टैंड? पूरी आत्मा से ओतप्रोत है। अगर हम इस बात को नहीं सच्ची तरीके से जानेंगे, आत्मा का ज्ञान नहीं जाना, गहराई से अनुभव नहीं करा, गहराई से अपनी मैं को अपने पनों को खत्म होते नहीं देखा, हम लोग भटक जाएंगे संत, कौन से दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। सच की बहुत सारी इल्यूजरी मिस्ट्रीज हैं। काफी साधु संत जिन्होंने पूर्ण सत्य को नहीं प्राप्त किया, वो पता नहीं कौन सी कहानियां गढ़ गढ़ के हम लोगों को दूसरे रास्ते ले जाएंगे। एक बात समझना, आत्मा को पाने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा को प्राप्त करने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। बोलो तो क्यों? क्योंकि आत्मा पहले से ही प्राप्त है, आप और मैं पहले से नहीं थे, वो अज्ञान है। समझना, ज्ञान का दूसरा नाम है भ्रम का नाश। भ्रम का रहना ही अज्ञान की निशानी है। भ्रम कौन सा भ्रम? आप भी हो और मैं भी हूं, ये दोनों ही तो दुनिया है, ये दोनों ही तो माया का दार्य है। आप समझना किसकी मर्यादा मेरे को रखनी है? ओ हम सत्य की मर्यादा मेरे को रखनी है, मैं आत्मा इसकी मर्यादा मेरे को रखनी है, आत्मा ही है इसकी मर्यादा मेरे को रखनी है। अगर मेरा मन झुके तो सच्चाई के आगे झुके, सच से झुके। हम बंदों के आगे नहीं झुकते हैं, पर जो उसके अंदर बाहर जो आत्मा ही आत्मा है, मेरा मन पहले ही उसके आगे झुका पड़ा है। पहले ही झुका पड़ा होना मतलब मेरे अंदर में बहुत गहराई से एहसास है अपने ना होने का। संत अगर इस अवस्था में हम आ जाएंगे, आनंद मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता, क्रोध मेरे को अटैक नहीं कर सकता, मेरे अंदर की विक्षेपताएं खत्म हो जाती हैं। सच में मैं बोलती हूँ, ऐसे आनंद से भरा हुआ जीवन को हम क्यों अपने से अलग करके रखते हैं, क्यों जर्रे जर्रे लोगों को ठोकते हैं, क्यों बार बार उनको शब्दों से हम ऐसे बेहाल करते हैं। आपको खाकरी है कि एक जन्म में मेरा शब्द किसी और के पास है ही नहीं, कोई मेरे को बोल ही नहीं सकता, इन्होंने इतना मेरे दिल को दुखाया, अब ये बैठ के सत्संग सुनते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे गलत कर्म करे, अब ये ढोंगी बाबा बनकर भगवान का नाम लेते हैं। मैं एक बात बोलती हूँ, अपने मन से खाकरी आपको होए कि आपका ये रास्ता राइट है। You should be proud of your own living. We don't have to wait for someone else to say that they are proud of us. We have to be proud of our own living in the sense what? Ek ek second maine useful banaya. Ek ek second ko maine use kiya. Jab jab mere andar mein main na ka anubhav hua. किसी भी चीज के ऊपर मैं आधारित होता हूँ अपने रस के लिए, तब तब मैंने अपने आत्मा पे एक और पर्दा डाल दिया। Do you understand? When I say that, oh my God, I am missing my job. Oh my God, I'm not having money right now. Oh my God, I'm not having this person to live with right now. Oh my God, I don't have this comfort right now. Oh my God, ये luxury नहीं है मेरे को जो मैंने imagine करा था कि at the age of 25 I should have achieved this. At the age of 35, at the age of 45. अरे तुम क्या क्या एज लगा के बैठे हैं? क्या अपने लिए टारगेट्स बढ़ा के बैठे हैं? बनाओ जरूर, मैंने बोलती नहीं बनाओ। शरीर प्रोडक्टिव होने के लिए आप उसको कोई भी सेवा दो, कोई भी कार्य दो, ठीक बात है, पर एट द बैक ऑफ इट
बोला ना, नाव तो है पर नाव तुमको नहीं चला सकती, तुमको नाव को चलाना है। ऐसे आप अपने शरीर को और आप अपने मन को आपको चलाना है। मन और शरीर आपको नहीं चला सकता। मन ने टारगेट बनाया, वेरी गुड, पर मन को कौन सा बैकअप जरूरी है? खाली टारगेट मेरे लिए मॉन्स्टर बन के मेरे सामने मेरे को दुखी कर सके, ये तो कौन सी वृत्ति हुई संतों? इंसान ने कंप्यूटर बनाया तो वो कंप्यूटर इंसान की सेवा में लगता है ना, ना कि कंप्यूटर आके इंसान को खा जाए। अगर ऐसी बात है तो देयर इज सम फ्लॉ इन माय क्रिएशन। देयर इज नॉट सम फ्लॉ, देयर इज अ बिग फ्लॉ इन माय क्रिएशन। फटाफट अपने अंदर में पी लेना गुरु नाम का प्याला। ये गुरु नाम का प्याला कौन सा है? निश्चय वाला प्याला, आत्मा वाला प्याला। मन को जोर से भूलना जब भी आपको टाइम मिले। शक्तिशाली है कितनी मेरी आत्मा, बहुत शक्तिशाली है, आप ही हो। ये आत्मा से ही पूरा जगत जो है ओत प्रोत है। देयर इज नन अदर देन हिम। देखो प्लीज समझो, ये आंखों से आपको क्या दिखाई देता है? पदार्थ दिखाई देता है, मूवेबल एंड मूवेबल। फिर इन चीजों का नाम हम लोग ने रखा है तो हमको वही नाम और रूप याद आ जाता है। दैट बिकम्स अ परमानेंट स्टोरी फॉर अस एंड दैट बिकम्स द अल्टीमेट रियलिटी फॉर अस। और उसके साथ क्योंकि मेरे मन के अंदर में रोशनी नहीं है, अंधकार में वो भटकता है, तो वो जड़ और वो नाम के साथ साथ मेरे मन की बुनी हुई कहानियां भी जुड़ जाती हैं। इल्यूशंस ऑफ द माइंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस जड़ प्रकृति। नाम और रूप और मेरा अंधकार मिल मिलाकर खिचड़ी ऐसे पकती है मेरे अंदर कि वो ही मेरा जीवन का आधार बन जाता है। दुख उसी से आता है। दुख की बुनियाद मेरे मन का अज्ञान है, मेरे मन के अंदर का विकार है। अपने अंदर में विकार का खात्मा करना ही समाधि है। मेरे अंदर के विकार का खात्मा और मेरे अंदर का विकार कौन सा है? So many bharams we have inside us. It is unmeasurable, uncomparable. Never mind. हमारे अंदर में रेशम के धागों पे जैसे गांठ पड़ जाती है तो उसको खोलना कितना मुश्किल हो जाता है। कितना धीरज चाहिए, कितना समय चाहिए कि रेशम का धागा भी ना टूटे और गांठ भी खुल जाए। मनुष्य का जीवन जो है रेशम के धागे की तरह है संतो, बहुत प्रेशियस है, बहुत वैल्यूएबल है। देयर कैन बी नो प्राइस पुट ऑन अ ह्यूमन बर्थ, अ ह्यूमन लाइफ। देयर कैन बी नो प्राइस पुट। ये कुदरत है, देखो कैसे अंदर में प्राण आपे ही चलते हैं, कैसे फूका निराकार की जान, कैसे मेरा नोअर मेरा दृष्टा हर चीज जानता है, हर चीज देख रहा है। दृष्टा का भी उपदृष्टा, अभी दृष्टापना बनाया किसने, आया कहां से? वहां साईं वहां। प्रेजेंट में देखोगे तो आपको इसका दर्शन होगा, आप ही को आश्चर्य हो जाएगा, आप ही को अपने लिए इतनी रिस्पेक्ट हो जाएगी कि अरे बाप रे, इतना सुंदर सत वाला प्लेटफॉर्म को छोड़कर मैं कौन सी माया में भटक रहा था। जो भी दिखाई देता है मेरे को उसके लिए नमस्कार है, क्योंकि वो भी आत्मा है। समझो तो ये रेशम का जो धागा है वो है मनुष्य चोला, वो है मनुष्य का जन्म। पर हमने मनुष्य के जन्म में इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी थी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस दैट वी वर आवरसेल्फ्स फेड अप ऑफ आवर ओन लाइफ। हम में से कईयों को कभी ना कभी जीवन में ये ख्याल आया ही होगा, अरे ये मैं जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं, लाइफ इज रियली नॉट वर्थ इट, सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन जीतता वही है जो जीते जी ज्ञान को प्राप्त होता है। जो जीता है वो ही जीतता है, जो मरता है वो जीतेगा कब? मरने के लिए जो बंदा रेडी है वो मूर्खता है। कौन सा मरना? सत वाला मरना है, जो विकारों से मरता है, जो निर्वासनिकता में आता है, जो अपने मन को वासनाओं से खत्म करता है, वो मरना मरना है। मरना कौन सा मरना संतो? जो मेरे को जागृता आ जाती है, एक एहसास आ जाता है मन के अंदर गहराई में कूद कर, जब मैं इतना डीप जाता हूँ और मैं कैच कर पाता हूँ कि अरे वन मिनट होल्ड ऑन, ये मैं तो खाली मन का एक वहम है, वो ही मन है, ये मॉन्स्टर तो मैंने अंदर में इतना पाल के मोटा मोटा तगड़ा करके रखा था, अब ये मॉन्स्टर ही मेरे को बार बार खा जाता है। अरे मेरा प्रारब्ध इतना सुंदर है, कोई मेरे को ना डरा सकता है ना हरा सकता है, मेरे मन का ये विकार ही मेरे को डराता है और हराता है। जो बंदा अपने से हार जाता है,
जो बंदा अपने विकारों पे जीत नहीं पा पाता, जिसके अंदर में सुजागी हुई नहीं है कि अरे बाबा आज अगर रात का अंधेरा है तो कल भी सवेरा होगा, ये तो चेंजेबल माया है, अंदर में जो हिम्मत नहीं रखता अपने विकारों पे जीत पाने की, वो अपने शरीर की खात्मा की बात कर सकता है, वो सोच भी सकता है, दिस इज सच अ क्रिमिनल थॉट, क्योंकि ये शरीर तेरा था ही नहीं तो इसको खत्म करने का हक तुमको किसने दिया, ये ख्याल भी आया कैसे, तुमको खुद ही याद नहीं है, तुम स्वयं यहाँ पे प्रकट कैसे हुए, तुम साकार रूप में प्रकट कैसे हुए, ये भी आपको और मेरे को याद नहीं है। अगर हम और आप एक साकार रूप को बना सकते तो डोंट यू थिंक यू वुड बी इन कंट्रोल ऑन क्रिएटिंग योर ओन फिजिकल बॉडी टू योर चॉइस, बट दैट इज नॉट द केस। क्यों? Have you ever thought in our deep analysis how come that is not the case? Because you and I don't ever exist at all. एक बात समझना, हाँ संतो, ये एक सीक्रेट है, जो है, जो ये शक्ति है, जो आत्मा है, वो ऐसी पसाई है, and it just took any form. उन फॉर्मों को नाम हमने दिया, हमने बोला अरे ये देखो ये पत्ता है, अरे ये देखो ये पेड़ है, हमने रंगों का नाम दिया, वो तो पसर गया, वो तो समा गया, देयर वाज नो माइंड इन्वॉल्वड इन इट, देयर वाज नो डिसीजन इन्वॉल्वड इन इट, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज़ इट जस्ट वाज। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? जैसे संतो पानी बह रहा है, ठंड आती है, माइनस डिग्री पे टेम्परेचर जाता है, तो ये जो पानी है जहां जहां जिस जिस फॉर्म में बह रहा था, जिस जिस फॉर्म में उसको पकड़ा गया, उसी फॉर्म में वो जम गया, और उन फॉर्मों को हमने अलग अलग नाम दे दिया। आप समझ रहे हो वो पानी कौन है? वो पानी निराकार, ये शक्ति है, परमात्मा शक्ति, उसको हम कॉस्मिक बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं, एनर्जी, इजनेस, आप जो बोलो, वो पूर्ण भरपूर, वो ही कभी मनुष्य का चोला बन गया, कभी वो हाथी का चोला बन गया, कभी चिपकली का, कभी पेड़ का, कभी धरती का, कभी आकाश का, ये नाम आपने और मैंने दिए, वो तो है ही। आप बोलते हो आकाश संतो, मैं बोलती हूँ परमात्मा, आप बोलते हो शरीर, मैं फिर बोलती परमात्मा, आप बोलते हो धरती, घास, ये और वो, मेरे अंदर में एक ही चीज है, एक ही चीज है, और वो है ईश्वर, परमेश्वर। आप देखो डीप इंटरनली एहसास करो, ये बात कैच होगी, सत के एहसास के अलावा और कोई एहसास किसी काम का नहीं है। अरे मैं ख्याल करूं तो किसका ख्याल करूं, जगत है ही नहीं, बनाई नहीं, किसकी मैं बात करूं, किसका मैं टेंशन लूं। जैसे हम बैठकर कभी कोई पिक्चर देखती है तो पिक्चर को सत समझना कितनी बड़ी मूर्खता है। इट इज एन इल्यूजन that has erupted from the mind of a director of a human being. In his own illusion, he wrote a story and there was somebody to put money into it aur wo itna bada ek production khada ho gaya, par hai to santo jhooth hi na, jo bhi jag upja wo jhooth ke beej se upja, jab beej hi jhooth to jag kis kaam ka, to kya jag jhoota nahi hai? मन का वास करना ही झूठ है। किस कारण वो वास करता है? क्योंकि मन के अंदर में अभी भी आपने सच का सूरज उदय नहीं हुआ है। सच का सूरज उदय करना आपके हाथ में है। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने अभी भी अपना मन कितनों को बेच दिया, कितनों पर रखा है मैंने अपना मन, किस किस को है कि अरे अब मेरे को कोई काम ही नहीं है ना किसी से, किसी चीज से, जो भी जो करे ठीक है, मेरे को तो बस अपना सारा मन अपने अंदर में लगाना है। How difficult is that? You want to reach a state where we are not disturbed by anything, where we are not affected by anything. अमीरी हो कि गरीबी हो, कि मान हो कि अपमान हो, कि कुछ भी हो, बंदा अपनी जगह जहां पे भी रहे, जो जैसा भी रहे, कोई कैसा भी करे, मेरे को फर्क ना पड़े, ये तो बहुत ही सुंदर अवस्था है संतो, ये तो नारायण की अवस्था है, ये तो ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था है। हाँ, इसका हक आपको है, मैं नहीं बोलती नहीं है, और ये खाली मेरा अधिकार ही नहीं है, ये तो मेरे आत्मा का स्वरूप भी है, पर आत्मा तक पहुंचे तो सही। अगर मैंने मन इतनों को बेच के रखा है, मेरा मन इतना दुखी सुखी है, मेरा मन रोक टोक को नहीं सह पाता, बिल्कुल नहीं सह पाता, तो
तो फिर आप देखो मन का तप कौन सा हुआ, जब भगवान ने बोला मन मुखी सदा दुखी। यू नो हाउ डीप दिस लाइन रन्स, वेरी डीप। मन जब जब आपको दुखी करे आप दुखी हो जाती हैं, कोई और क्या दुखी करेगा संत हमको, हम तो पहले ही दुखी होने को रेडी है। एक गलत ख्याल मेरे मन के अंदर में कितना गटर भर देता है, फिर वो गटर से बदबू तो आएगी ना। एक गलत ख्याल, आई एम नॉट इवन जोकिंग, अगर मैंने अपने इस गलत ख्याल को इंस्टेंटली करुणा में कन्वर्ट नहीं करा, सत व्यवहार से कन्वर्ट नहीं करा, यू विल बी कैरीड अवे विद ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये मन का वेग इतना तेजी से भागता है कि आप और मैं वहां खड़े ही नहीं रह सकते, एंड देन इट बिकम्स टू लेट, टू लेट।